कहां व्यापारियों ने खुद ही लगाया वीकेंड लॉकडाउन, कहां राधा स्वामी सत्संग ने तैयार किया 8000 बेड का हॉस्पिटल, और सिंधु टीकरी बॉर्डर के पास 40 गांव को क्यों गोद लेंगे किसान। टॉप 9 खबर पॉजिटिव। जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोविड प्रोटोकॉल के पालन में जीरो टॉलरेंस की नीति से सेना में संक्रमण की दर लगभग शून्य पर है। पूरे देश में सिर्फ 50 से 60 सेना के जवान ही कोरोना पॉजिटिव हुए। जम्मू में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए व्यापारियों ने खुद वीकेंड लॉकडाउन लगाया। इस दौरान मंडियों में सभी दुकान बंद रहेंगे, सभी होलसेल मार्केट भी बंद रहेंगे। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लगातार टेस्ट किया जा रहा है। मुंबई में बीएमसी ने ऑक्सीजन संकट को देखते हुए जोगेश्वरी के बालासाहेब ट्रोमा अस्पताल में हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया। बीएमसी शहर के 12 अस्पतालों में ऐसी परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके लिए वो 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राधा स्वामी सत्संग ने राज्य सरकार की मदद से 8000 बेड का कोविड अस्पताल बनाया। 26 अप्रैल से यह हॉस्पिटल मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद से मजदूरों का पलायन जारी। केजरीवाल सरकार ने पलायन रोकने के लिए 52 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। वो इसके जरिए 2,11,000 मजदूरों को 5,000 रुपए की सहायता प्रदान कराएगी। दिल्ली के सिंघो और टिकरी बॉर्डर पर धरना कर रहे किसानों ने आसपास के 40 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि इन 40 गांवों के सभी घरों में टेस्टिंग कराएंगे और पॉजिटिव मरीजों का इलाज करवाएंगे। देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं देश में वैक्सीनेशन भी तेज हो रहा है। देश में अब तक 13,83,69,000 ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर बीकेसी में कोरोना टीके की किल्लत लगातार जारी। टीके की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए इंतजार कर रहे बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई। आज भी सुबह से लंबी लाइनें देखने को मिली। मैसेंजर आरएनए की तकनीक पर बनी कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित पाई गई। टीका लेने वाली करीब 35,000 ऐसी महिला पर द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के सर्वे में दावा किया गया कि किसी भी महिला ने गंभीर समस्या की शिकायत नहीं की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।